तो अलग अलग जगहों पर जहां जहां छठ घाट बनाए गए हैं वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जानने के लिए हम रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता इस समय जुड़ गए हैं, वाराणसी से सचिन पांडे, महराजगंज से संजय जायसवाल और कानपुर से जुबैर अहमद हमारे साथ इस समय मौजूद है। सबसे पहले मैं रुख करूंगी सचिन पांडे, आपका वहां पर छठ महापर्व को लेकर क्या तैयारियां? देखिए बिल्कुल, मैं छठ महापर्व की पूरी तैयारियां दिखाऊंगा कि आखिर में जो महिला है देखिए सीधा यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर देखिए जिस हिसाब से छठ महापर्व की पूरी जो तैयारियां घाटों पर यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, महिला अपना बेटी बना रही है और उसके पास सीधा अपने घर की ओर जा रही है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस हिसाब से जो तैयारियां हैं वो पूरी होते हुए लगातार जो घाट पर जो महिलाएं हैं वो पहुंच रही हैं और लगातार जिस हिसाब से यहाँ पर महिलाएं हैं उनको मैं दिखाऊंगा। देखिए मंदिर के सामने हूँ और ये पूरा का पूरा देखिए जिस हिसाब से छठ महापर्व है, क्योंकि आज के दिन वेदी बनाई जाती है, उसके बाद कल लौका घाट होता है, उसके बाद जो अगले दिन होता है एक जो 6 तारीख को वहाँ पर पहला आरंभ होगा, उसके बाद 7 तारीख को दूसरा आरंभ होगा। बिल्कुल, मैं सचिन आपका दोबारा रुख करूंगी, तब तक अगर कोई महिला वहां पर आपके आसपास से गुजरे तो जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा इस महापर्व के बारे में, वो कितनी उत्साहित है, क्या उनकी तैयारी है, इस बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। मैं रुख करना चाहूंगी संजय जायसवाल, आपका वहां पर छठ घाटों को लेकर कितनी साफ सफाई हो चुकी है, महापर्व की कितनी तैयारियां देखने को मिल रही है, कितनी अलर्टनेस और कितने उत्साहित वहां पर श्रद्धालुगण? देखिए शिल्पा, मैं आपको बता दूं इस समय हम मौजूद है महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सोनौली और नौतनवा नगर पालिका के राम मनोहर लोहिया छठ घाट में। आपको बता दें क्योंकि जो छठ का महापर्व होता है यह श्रद्धा आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा हिंदू धर्म में पर्व माना जाता है, और अगर पिछले 4-5 सालों की बात करें तो एक ये पर्व जहाँ पहले झारखंड बिहार पूरी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता था, लेकिन इसकी इतनी लोकप्रियता बढ़ी है कि अब यह देश भर में यह पर्व खास तौर पे मनाया जाता है। साथ ही साथ जो पड़ोसी राष्ट्र नेपाल है वहाँ के भी लोग इस पर्व को बड़े धूमधाम के साथ आस्था के साथ मनाते हैं। महाराजगंज जनपद की बात करें तो महाराजगंज जनपद में जिला प्रशासन के द्वारा कुल 524 छठ घाटों को चिन्हित किया गया है, जहाँ पर चाहे सुरक्षा की बात करें, चाहे साफ सफाई, साज सजावट, लाइटिंग और बैरिकेडिंग की बात करें तो सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। नगरों और नगर पंचायतों में पड़ने वाले छठ घाटों को जो जिला प्रशासन के निर्देश पर जो नगर पालिका और नगर पंचायत के कर्मचारी हैं वह लगातार वेदियों के आसपास छठ घाटों के आसपास साफ सफाई करा रहे हैं, साथ ही साथ लाइटिंग और साज सजावट की व्यवस्था की जा रही है। वहीं पर पुलिस प्रशासन के द्वारा चूंकि छठ पर्व के दिन जिस तरह से भीड़ होता है, जिस तरह से व्रती महिलाएं अपने परिजनों के साथ छठ घाटों तक पहुंचती हैं तो जो आवागमन है वह सुचारू रूप से जारी है, तो ऐसे में बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ तमाम छठ घाटों पर पुलिस प्रशासन ड्रोन कैमरे से नजर रखेगी, जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार के जो निर्देश सभी जिला कप्तानों को निर्देशित किए गए हैं कि छठ पूजन के दौरान जिस तरह से 5 नवंबर को नहाए खाए से शुरुआत हो रही है, हाँ। फिर 6 नवंबर को खरना है, 7 नवंबर को जो व्रती महिलाएं छठ घाटों पर पहुंचेंगी डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगी, वहीं पर 8 नवंबर यानी चौथे दिन सुबह महिलाएं फिर छठ घाटों पर पहुंचती हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ देती, तो इस दौरान कहीं ना कहीं भारी भीड़ देखने को मिलती है, तो ऐसे में भीड़ भाड़ वाले जगहों पर सुरक्षा के दृष्टिगत जो एक तरफ जहां ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी तो एंटी रोमियो को स्क्वाड टीम को भी सक्रिय किया गया, यानी तमाम छठ घाटों पे जो पुलिस की पैनी नजर है वो हो तो है ही, साथ ही साथ इस बार छठ के पर्व को छठ पूजा को जिला प्रशासन ने भव्य तरीके से संपन्न कराने को लेकर जिले के सभी 524 छठ घाटों पर साफ सफाई, लाइटिंग और साज सजावट की व्यवस्था दुरुस्त कर रखी, और जिस जगह में हम मौजूद है यह राम मनोहर लोहिया छठ घाट आप देखेंगे किस तरह से फिलहाल जो छठ घाट की जो छठा है यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आप देखेंगे नीचे तो बेदियां हैं, जो बेदियों को फिलहाल अंतिम रूप दिया जा रहा है, यानी जो व्रती महिलाएं हैं उन्होंने बेदियों को पूरी तरह सजा दिया है, और आप देखेंगे शाम का समय करीब 6 बजने वाला है, ये पूरा एक तालाब है, ये राम मनोहर लोहिया छठ घाट का तालाब है, क्योंकि शाम से यहाँ पे सफाई का काम पूरा किया गया है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई, इसके चारों तरफ छोटी जो झालर बत्ती और समान सर की जो व्यवस्थाएं हैं वह दुरुस्त की गई हैं। अब आपको बता जिला प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं
चाहे पुलिस कप्तान की बात करें, चाहे जिलाधिकारी की बात करें, यह लोग लगातार अब छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। संजय, वहां पर घाट पर साफ सफाई तो आपके पीछे हम देख पा रहे हैं, लेकिन जो तालाब का पानी है क्या वो भी साफ और स्वच्छ है? बिल्कुल शिल्पा, मैं आपको बता दूं, चूंकि इस बार बारिश कम हुई है तो कई कितने सारे नदियों तालाबों में जो जल स्तर था वो काफी कम हो गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने एक अच्छी पहल की है कि चूंकि महिलाएं जो व्रती महिलाएं होते हैं वो पानी में पाव भर जा के वो डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का काम करती है, तो ऐसे में किसी भी तरह कोई बड़ी घटना ना घटे तो जल स्तर को भी कहीं ना कहीं सभी तालाब पोखर और नहर और जो नाले हैं वहाँ पे जो पानी है वहाँ पे अगर दूषित पानी है तो उसको कहीं ना कहीं मशीन से उसको निकाला जा रहा और शुद्ध पानी डाला जा, साथ ही साथ जो दूषित पानी है उसको भी निकालने का काम लगातार जारी है। चूंकि जो 524 छठ घाट है जिसमें जिला प्रशासन चिन्हित किया है तो इसमें तालाब भी हैं, पोखर भी हैं, ग्रामीण इलाकों में नदियों के आसपास भी जो व्रती महिलाएं छठ का महापर्व रखती हैं घाटों के पास पहुंचती हैं, तो नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के द्वारा जो पानी है उसकी भी साफ सफाई की जा रही है, उसको भी छाना जा रहा, साथ ही साथ छठ घाट के आसपास भी तमाम तरह की स्वच्छता यानी साफ सफाई पर इस बार जिला प्रशासन का विशेष फोकस है। जाहिर तौर पर ताकि स्वच्छता के साथ पवित्रता के साथ इस महापर्व को मनाया जा सके। आपके पास में लौटूंगी। हमारे साथ कानपुर से जुहैब अहमद भी इस समय जुड़े हुए हैं। जुहैब, वहां पर कानपुर में छठ पर्व की कैसी छटा आपके सामने, घाटों पर किस तरह की व्यवस्थाएं? शिल्पा, मैं आपको बताना चाहूंगा, कानपुर के बर्रा इलाके जो पशान चौराहे के पास बने हुए नहर के जो छठ घाट बनाई गई है, ये कानपुर की जो प्रमुख नहर है इसमें कई जगह छठ पूजा के लिए घाट बनाए जाते हैं, सबसे बर्रा सचान इलाके पर मौजूद है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कानपुर में बड़ी संख्या में छठ घाट बनाए गए हैं और वहां पर जो प्रशासन द्वारा साफ सफाई को लेकर के, रोशनी की व्यवस्था को लेकर के और जो सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर के बहुत सारी तैयारी कर ली गई है, जिसमें ड्रोन कैमरे के द्वारा यहाँ की जो छठ घाटों पे जो महिलाएं आएंगी, जो सूरज को जो यहाँ पे जो छठ मैया की पूजा करी जाएगी उसको देखते हुए जो प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई है, उसमें कानपुर नगर निगम द्वारा छठ घाटों की जो सफाई है और जो व्यवस्थाएं वहां पे जो करी गई बड़ी साफ सुथरी है, अच्छी बदल रही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय हम लोग जिस इलाके में यहाँ मौजूद है या मैं आपको तस्वीरों के माध्यम दिखाना चाहूंगा, ये घाट बनाया गया है, यहाँ पे बिजली की व्यवस्था या लाइटिंग की व्यवस्था तो करी गई है, परंतु अगर साफ सफाई की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं एक प्रमुख नहर है और बहुत बहुत ही यहाँ पे बड़ी संख्या में छठ मैया की पूजा करने के लिए जो महिलाएं आती हैं, क्योंकि पूर्वांचल और बिहार का एक बहुत बड़ा पर्व है, उसको देखते हुए कानपुर नगर में पूर्वांचल और बिहार से लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे निवास करते हैं, वो यहाँ पे छठ मैया की पूजा करने आते हैं। लेकिन अगर सफाई की बात करी जाए तो घाट की तो सफाई यहाँ पे मैं विचुल्पा आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल अच्छे से कर दी गई है, घाट पे हर एक तरह घाट की सफाई तो अच्छे से कर दी गई है। लेकिन तस्वीरों में जितना हम देख पा रहे हैं जो पानी है वहां पर, जिसमें कमर तक डूब कर महिलाएं सूर्य को अर्घ देंगी, इस महापर्व को मनाएंगी, वो बहुत काला और गंदा नजर आ रहा है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ तस्वीरों के माध्यम से, ये बहुत बहुत बड़ा घाट है कानपुर का और ये प्रमुख नहर है, लेकिन यहाँ पे सफाई की अगर बात करी जाए तो घाट की तो तैयारी कर दी गई है, लेकिन अगर जो बात करी जाए जो पानी की, तो मैं आपको तस्वीरों के माध्यम दिखाना चाहूंगा, पानी में गंदगी बहुत है और यहाँ पे जो महिलाएं जब पानी में उतर के सूर्य को प्रणाम करेंगी तो उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कितनी गंदगी है, लगातार यहाँ पे कचरे का अंबार और बहुत सारी गंदगी यहाँ पे इकट्ठा है, काई जमी हुई नजर आ रही है वहां पर। ऐसे में जो है अगर वहां पर महिलाएं खड़ी होकर अर्घ देने का प्रयास करेंगी, वहां अंदर पानी में जाने का प्रयास करेंगी, उनका पैर फिसल सकता है, किसी भी महिला के साथ कोई भी दुर्घटना यहां पर हो सकती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासनिक अधिकारियों से क्या ये सवाल किया आप लोगों ने? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा शिल्पा, लगातार ये क्योंकि ये बहुत बड़ी नहर है और इसको लेकर के इसमें बहुत बड़ी संख्या में छठ के लिए घाट बनाए जाते हैं, लेकिन ये इलाका क्योंकि हम लोग की टीम लगातार निकली हुई थी और उसमें प्रशासन द्वारा जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे उसको देखने के लिए, उसके दावों को धरातल पर देखने के लिए मौजूद है,
यहाँ पे बैरिकेडिंग तो लगाई गई, यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था तो करी गई है, यहाँ पे लाइटिंग तो लाइटिंग की व्यवस्था तो करी गई है, लेकिन यहाँ पे घाट की व्यवस्था करी गई, घाट में हर एक तरह की व्यवस्थाएं करी गई है, लेकिन परंतु अगर बात करी जाए पानी की, जो कि बहुत प्रमुख चीज है, उन्हें आपको तस्वीरों के माध्यम में सिर्फ आपको दिख रहा होगा कि इसमें काई जमी है, सबसे बड़ी चीज है जो बिल्कुल घाट की जो आधे आधे का जो इलाका है जो लहर जा रही है, मैं आपको इसमें दिखाना चाहूंगा, इतनी बड़ी संख्या में गंदगी का मार लगा हुआ है लगातार, ये जो ये चौंकाने वाली ये तस्वीरें हैं शिल्पा, ये मैं आपको बिल्कुल, और जनतंत्र टीवी पर यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को देखना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए कि महिलाओं को इतने गंदे पानी में और इस गंदगी के बीच उतरकर अपना सबसे बड़ा महापर्व मनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, उनके साथ यहाँ पर कोई भी दुर्घटना घट सकती है, वो इस गंदे पानी में उतरकर बीमार हो सकती है, ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही, इतना समय था, सबको पता था छठ पर्व कब है, कौन सी तारीख को है, ऐसे में समय रहते कई महीनों पहले से यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था क्यों नहीं करवाई गई, ये सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है। मैं लौटूंगी आपके पास जोहैब, मैं लौटती हूँ सचिन पांडे का, एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी, सच हाँ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो है दिखाए जरा गंदगी, दिखाए जरा गंदगी पानी, हाँ बोलिए, गंदगी की पानी की जो क्षमता देखिए, इसमें पूजा होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कानपुर प्रशासन से, जो नगर निगम से, जो बर्रा सचान इलाके से, ये जो छठ घाट है, इसको जब सूबे के मुख्यमंत्री और डीजीपी द्वारा हर एक तरह के आदेश फरमान जारी करे गए, उसके बाद भी कानपुर के जो जिम्मेदार लोग हैं, इस घाट के जो महिलाओं की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ली गई है, वो आखिरकार धरातल में जमीन, यहाँ के पार्षद की तरफ से कुछ कहा गया है, विधायक की तरफ से कुछ कहा गया है, क्या वो नहीं देखते इन तस्वीरों को, क्या वो नहीं देख रहे इस गंदगी को, यहाँ पर उनके क्षेत्र के लोगों को आकर अपना त्योहार मनाना पड़ेगा। जी मैं सिर्फ आपको बताना चाहूंगा, ये चितवड़ी नगर विधानसभा और गोविंद नगर विधानसभा का जुड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पे चितवड़ी नगर विधानसभा से भी बड़ी संख्या में लोग छठ का पर्व मनाने आते हैं, और मैं बात बताना चाहूंगा गोविंद नगर विधानसभा से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे छठ का पर्व मनाने आते हैं, और यहाँ पे महिलाएं पानी में उतर करके हर एक तरह का जो पूजा अर्चना होती है करती है, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाई देता हूँ किस तरह की व्यवस्था है, और कार्य करे जा रहे हैं, लेकिन धरातल से जो व्यवस्थाएं हैं कानपुर के इस घाट पे, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही जो आदेश है आला अधिकारियों के, जिम्मेदार अधिकारियों को, वो कहीं ना कहीं पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। जी शिल्पा, जाहिर तौर पर बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी तैयारी हमारी पुख्ता है, लेकिन धरातल पर ये हालात देखने के बाद वाकई में अचंभा होता है, इन खोखलों दावों पर गुस्सा भी आता है। सचिन आपका मैं रुक करूंगी, देखिए घाटों की साफ सफाई करके एक तरीके से फॉर्मेलिटी तो पूरी कर दी जाती है, लेकिन वहाँ जहाँ जिस पानी के अंदर, जिस जल के अंदर खड़ा होना होगा अर्घियों को, उन महिलाओं को, उसको लेकर कोई व्यवस्था नहीं होती है, उसकी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की जाती है, वहाँ पर जिस छठ घाट पर आप इस समय मौजूद है, वहाँ की जरा परिस्थिति बताएं। बिल्कुल शिल्पा, जिस हिसाब से आपने कहा कि जिस छठ घाट महापर्व माना जाता है यूपी और उत्तर प्रदेश का, वहां पर दावे और वादे जो होते हैं वो तो पार्षद विधायक करते हैं, नगर निगम करता है, लेकिन धरातल पे कितना उतरता है। लेकिन वाराणसी की अगर मैं बात कहूँ तो विधायक हो चाहे यहाँ के कमिश्नर हो, मेयर हो, तमाम जितनी भी चीजें होती हैं वो लोग पहुंच के घाट की जो साफ सफाई की व्यवस्था का उन्होंने औचक निरीक्षण भी किया, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो छठ व्रती होते हैं, क्योंकि प्रदेश नहीं, इस समय अगर हम कह सकते हैं कि वाराणसी में भी दूर दराज से भी बिहार यूपी तमाम जितने राज्य वहां से लोग पहुंचते हैं गंगा जी में, और यहाँ पर जो महापर्व होता है उसको मनाते हैं। तो घाट की अगर मैं बात कहूँ तो घाट एकदम शुद्धता के साथ, नमामि गंगे के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ से जो कचरा है उसको हटाते हुए नजर आ रहे हैं, घाट स्वच्छ एकदम स्वच्छता की ओर है। वहां पर जिस हिसाब से घाट पर हम कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये ब्लीचिंग पाउडर कब तक, जब महापर्व आता है तब उसके बाद की जो स्थितियां होती है वो बहुत दयनीय हो जाती है। गंगा घाट पर लगातार जो पूरे जो शहर का कचरा होता है वो गंगा घाट पर पहुंचता है, कितना बैन करेंगे अभी, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। जब महापर्व आता है तब कमिश्नर, यहाँ के जो नगर आयुक्त होते हैं, नगर निगम के लोग होते हैं, वो घाट पर औचक निरीक्षण करने पहुंचते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात अभी घाट स्वच्छ दिखाई देते हैं, जब ये त्योहार बीत जाते हैं तो वहीं पर
उतना कचड़ों का अंबार नजर आता है कि जो देखने से बलबलाता हुआ नजर आता है, जिसमें कि बीमारियां पैदा होती हैं। तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि क्या ये त्योहार तक ही इतना जो होगा जो कचड़ा और तमाम चीजों की साफ सफाई की, उसके बाद भी। लेकिन फिलहाल अगर कह सकते हैं कि 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, तमाम जितने घाट है वो चमकते हुए नजर आ रहे हैं, लाइटिंग पूरी कर दी गई है। लेकिन घाट पर तो व्यवस्थाएं करवा दी गई है, लेकिन बाकी के घाटों का क्या? व्रत तो व्रत होता है और व्रतियों की जो श्रद्धा होती है वो क्या कम और ज्यादा हो जाती है? ऐसे में महराजगंज का मैं रुख करना चाहूंगी। संजय जायसवाल हमारे साथ वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि समय रहते इस दिशा में काम होना चाहिए, लेकिन देखने को क्या मिलता है? छठ पर्व जब आता है तब जाकर प्रशासनिक अधिकारियों की नींद टूटती है। कह रहे 3 दिन बचे, 4 दिन बचे, जल्दी से ऊपर ऊपर से साफ सफाई करवा देते हैं वरना मीडिया के कैमरे वहां पर लग जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो जनप्रतिनिधि होते हैं, किसी भी दल को उठाकर देख लीजिए, वो छठ पर्व की तैयारियों से ज्यादा इसमें सियासत में कूद जाते हैं, इस पर आरोप प्रत्यारोप में लग जाते हैं। बिल्कुल शिल्पा, मैं आपको बता दूं, चूंकि छठ का जो महापर्व है वो 4 दिनों तक चलता है, नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है, घरने का दूसरा दिन होता है, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को जो व्रती महिलाएं वो अर्घ देते हैं। यानी जो सात तीसरा और चौथा दिन होता है, जो जिस तरह से जिस जो महिलाएं व्रती महिलाएं होते हैं वो अपने परिजनों के साथ जो छठ घाटों पर पहुंचती हैं तो वो पानी में घुसती हैं, तो कहीं ना कहीं छठ घाट के आसपास तो साफ सफाई जिला प्रशासन और नगर पालिका और नगर पंचायतों के द्वारा किया जाता है, लेकिन बात सही है कि जो जल जो पानी होता है, चाहे तालाब की बात करें, चाहे नालों की बात करें, चाहे पोखरों की बात करें, तो उसकी कहीं ना कहीं सफाई या पानी को नहीं बदला जाता है, क्योंकि इस पे भी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को कार्रवाई करने की जरूरत है। घाटों के आसपास साफ सफाई तो कर दी जाती है, लेकिन जो दूषित जल होता है, आपको बता दें चूंकि महाराजगंज जनपद पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे 12 ऐसे इलाके हैं जो नगर पालिका और नगर पंचायत है, बाकी ग्रामीण क्षेत्र और नेपाल के पास वाले इलाके हैं। यानी यहाँ पर ज्यादातर जो छठ घाट हैं वो नहरों के पास मनाए जाते हैं, नदियों के पास मनाए जाते हैं, तालाबों के पास मनाए जाते हैं। हालांकि जो नगर पालिका और नगर पंचायतों में स्थित छठ घाट हैं वहाँ के आसपास पक्की सीढ़ियां बना दी गई हैं, ठीक है, और आसपास जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। ऐसे में अभी भी ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि छठ घाटों पर जो ये तैयारियां आधी अधूरी नजर आ रही है, इसके लिए कौन होना चाहिए जिम्मेदार? समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? समय रहते साफ सफाई क्यों नहीं करवाई जाती? त्यौहार इतना नजदीक आ जाता है तब जाकर आनंद फानंद में ही क्यों ऊपरी तौर पर फॉर्मेलिटी के लिए वहां पर अधिकारियों को लगाया जाता है, कर्मचारियों को लगाया जाता है, साफ सफाई करने का दिखावा किया जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है।